उत्तर प्रदेश उमंस वर्सेस मुंबई इंडियंस उमंस के बीच में जो उमंस आईपीएल का मैच खेला जाएगा, इसका हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप हर एक फैंटेसी मैच का काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो, और ये जो फैंटेसी मैच है जो हम कवर कर रहे हैं, इसकी जो फाइनल टीम है ये भी आपको परफेक्ट लाइनअप पर ही मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दे रखा है, तो मैच की जो फाइनल अपडेट्स है इसके लिए आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, देखो हम यहाँ पर पहले तो ये देखेंगे कि ये जो पिच है किस तरीके से बिहेव करेगी, उसके साथ साथ इस मैच में टॉप प्लेयर्स कौन से होंगे जो आपको अपने टीम में रखने ही रखने हैं, उसके साथ साथ स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फाइनली आपको हम फाइनल जो कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं उसके कुछ पिक्स भी देने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, इसे आपको एंड तक देखना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए इस एनालिसिस को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते। पहले हम वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पे चलेंगे। तो देखते हैं मैच होगा कहाँ पे। मैच होगा ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई पे। तो देखो आमतौर पे यहाँ का जो पिच होता है वो बैटिंग और बॉलिंग को इक्वल सपोर्ट करता है। अगर आप रेशो कंपेयर करोगे तो बैट्समैन आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। थोड़ा सा नीचे चलते देखो, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग बॉलिंग का रेशो होता है यहाँ पे बैट्समैन आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। चेजिंग में भी बैट्समैन यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, ठीक है। बैट्समैन को आपको यहाँ पर प्रीफर करना है। अगर आप फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखोगे तो इससे भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। वो आपको 183 का दिखाई देगा जो कि काफ़ी बड़ा होता है। और हर इनिंग में यहाँ पर लगभग 6 विकेट के आसपास गिर जाती है। तो देखो बॉलर्स और बैट्समैन में अगर कंपेयर करोगे तो बैट्समैन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो पिच सपोर्ट्स टू पेसर्स एंड स्पिनर्स, लगभग स्पिनर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देंगे। तो जो भी विकेट टेकिंग स्पिनर्स इस मैच में होने वाले वो आपकी टीम में होने चाहिए। और देखो परफेक्ट लाइनअप पे हमने जो बेसिक्स देखे हैं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट के, इसके अलावा आप एडवांस लेवल पे भी इस एनालिसिस को लेके जा सकते हो। तो ये जो सारा एडवांस एनालिसिस है आपको परफेक्ट लाइनअप पे आके करना है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दे रखा है। तो आपको और क्या क्या यहाँ पे मिलता है, देखो आप यहाँ पर रेशो कंपेयर कर सकते हो, यानी बैटिंग फर्स्ट टीम और चेजिंग टीम इनका रेशो कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो 70% मैचेस जीती हुई है। कौन से ऐसे प्लेयर से जो इस वेन्यू पे खेलते हुए ड्रीम टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रह चुके हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कौन कौन से प्लेयर से आप देख लीजिए, और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो आ जाइए आप परफेक्ट लाइनअप पे। टॉप प्लेयर्स ऑन दिस वेन्यू, तो देखो यहाँ पे हेली मैथ्यूज का 106 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। नेटल स्कीवर का 80 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज होता है बैटिंग से ऑन दिस वेन्यू, ठीक है। ये दो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेली मैथ्यूज और नेटल स्कीवर। बॉलिंग से देख लेते हैं, सो पिक का स्टोन का यहाँ पर 138 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है जो कि काफ़ी बड़ा है। हेली मैथ्यूज का बॉलिंग से 89 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। यस इशाक, इनका भी 60 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। एमिलिया केयर का 58 का है। तो ये कुछ टॉप बॉलिंग से भी प्लेयर्स से जो हमने देखी है। आप इस वेन्यू पे टॉप 5 T20 मैचेस देख लेना परफेक्ट लाइनअप पे आके, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे चल लेते हैं इस मैच के स्कोर कार्ड की तरफ जो दोनों टीम्स ने पिछले मैच में खेला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन से ऐसे बॉलर से जो पूरे ओवर्स करा के जाएंगे, क्या इनका बैटिंग ऑर्डर होगा। तो इसके लिए आपको परफेक्ट लाइनअप पे टीम हेड टू हेड फीचर का उपयोग करना है। लास्ट 5 T20 मैचेज में आप आ जाइए। तो देखो यूपी वुमन्स वर्सेज मुंबई वुमन्स, तो हम पहले यूपी वुमन्स का स्कोर कार्ड देख लेते हैं पिछले मैच का। तो देखो जो यूपी वुमन्स की जो टीम है वो यहाँ पर जो पिछला मैच अपना, इसमें दो इनके ओपनर्स थे देविका वैद्य और एलिसा हेली, इन दोनों ने ही मैच शॉर्ट आउट कर दिया था। इसमें एलिसा हेली ने 47 बॉल्स में 96 रन की पारी खेली थी, 204 का स्ट्राइक रेट था इनका। और देविका वैद्य ने 31 गेंदों में 36 रन बनाए थे 116 के स्ट्राइक रेट से। तो दो प्लेयर्स ने यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की बारी आनी ही नहीं दी। और हम यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शन भी देख लेते कौन से प्लेयर्स से यहाँ पर इस टीम की तरफ से बॉलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्रेस हैरिस का नाम आपको दिखाई देगा, उसके बाद अंजलि सरवानी, उसके बाद राजेश गायकवाड़, सोपिक कस्टोन, दीप्ति शर्मा और देविका वैद्य। देखो इनके पास दो विकेट टेकिंग वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जिसमें सोपिक कस्टोन और दीप्ति शर्मा का नाम आपको दिखाई देगा। राजेश गायकवाड़ एक विकेट टेकिंग बॉलर है, ग्रेस हैरिस अपने दिन पे कभी भी अच्छे करके जा सकती है। तो सोपिक कस्टोन दीप्ति शर्मा ने मिलकर 7 विकेट्स निकाल लिए थे दोनों ने ही, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ इकोनॉमी भी इन दोनों की अच्छी थी, ये टीम काफ़ी मजबूत है बॉलिंग से। इकोनॉमी देखोगे आप, ग्रेस हैरिस का 9 का था, अंजलि सरवानी का 9 का था, और विकेटलेस ही दोनों गई थी। देविका वैद्य भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिट गई थी, ठीक है। तो ये इस मैच का कुछ हालचाल था, हमने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देख लिए हैं। अब चलते हैं जो हमारी सेकंड टीम है जो कि होगी मुंबई इंडियन वुमन्स की, तो उनको भी देख लेते हैं हम। तो देखो स्कोर कार्ड हमें क्या कह रहा है, तो
तो इनकी जो टीम है इनकी तरफ से ओपन कौन करेगा, तो देखो यास्तिका भाटिया यहाँ पर ओपन करेंगी हेलेम मैथ्यूज के साथ, वन डाउन आएंगे नेटल्स कीवर, और यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में हरमनप्रीत कौर आपको दिखाएंगे। वैसे देखो पिछले मैच में अगर आप देखोगे तो यास्तिका भाटिया ने 41 रन बनाए थे, हेलेम मैथ्यूज 32 और नेटल्स कीवर 23। देखो ये जो स्कोर कार्ड देना हमें बहुत कुछ कह के जाते, यहाँ पे ज़्यादा निचले भी जो बैट्समैन से उनको लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैट्समैन के लिए पिच बनी हुई है, तो जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन से इन्हें आप ट्राई कर सकते हो। और बॉलिंग से देख लेना आप, यहाँ पर जो साइका इशा के इन्होंने 3 विकेट्स निकाले, 4 की इनकी इकोनॉमी थी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, उसके बाद इसी वॉन्ग ने भी 3 विकेट्स निकाले थे, सिर्फ 3 की इनकी इकोनॉमी थी, तो ये 2 प्लेयर्स के ऊपर आपको नजरें गड़ाई रखनी है अपनी। हेली में तो इन्होंने 3 विकेट्स निकाली थी, 5 की इनकी इकोनॉमी थी, तो ये कुछ अच्छा परफॉर्मेंस। पूजा वस्त्रकार ने 1 ही ओवर किया था सरप्राइजिंगली, एमिलिया केर 3 ओवर्स करके गई गईंगी, बैटिंग से भी इनका परफॉर्मेंस आता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेटर्स की ओर एक मस्ट हैव पिक आपके लिए दोनों केसेस में रहती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्कोर कार्ड और टॉप प्लेयर्स देख लिए हैं, सीधे सीधे हम यहाँ पर अब अलग अलग बेसिस पे जो अच्छे प्लेयर्स होंगे उन्हें देखते हैं। चीट शीट का ऑप्शन है, आपको टॉप 5 प्लेयर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं टोटल फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे। इस मैच में टॉप 5 प्लेयर्स आपके लिए कौन से होंगे, इसमें हेले मैथ्यूज, उसका साइका इशा का आपको दिखाई देगा, सोपिकर स्टोन, नेटाइल्स कीवर और एमिलिया केर, ठीक है। ये टॉप 5 प्लेयर्स होंगे एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे। टॉप 5 प्लेयर्स में हेली मैथ्यूज, साइका इशा, सोपिकर स्टोन, नेटाइल्स कीवर और एमिलिया केर का आपको दिखाई देगा। कुछ प्लेयर्स यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके टीम में वो प्लेयर्स होने चाहिए। थोड़ा सा नीचे चलते, पार्ट ऑफ परफेक्ट लाइनअप, वो से प्लेयर जो कंसिस्टेंटली अपनी ड्रीम टीम में जगह बना रहे, आप देख लो। आप और भी बेसिस होती है यहाँ पे टॉप 5 प्लेयर्स की, जिनको आप देख सकते हो परफेक्ट लाइनअप पर आकर, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। सीधे सीधे कस्टम टीम बिल्डर पे ग्रैंड के कुछ कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं अपनी टीम बनाने के लिए। एक होता है परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन, यहाँ पे आपको अलग अलग बेसिस पे टीम बनाने का मौका मिलता है। रिसेंट परफॉर्मेंसेस, यहाँ पे आप उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। ड्रीम टीम अपेयरेंसेस, देखो जो प्लेयर कंसिस्टेंटली ड्रीम टीम में अपनी जगह बना रहे हैं उनके बेसिस पे आपको यहाँ पर टीम बन के मिल जाती है। तो कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करो, आपको जैसा अच्छा लगे नंबर ऑफ टीम सिलेक्ट कर लो। हम यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ टीम सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें आपको यहाँ पे अपने टीम में लॉक कर लेना है। अब प्लेयर को आपको देखना कैसे, जैसे एमिलिया केर का हम रिकॉर्ड देखते, उस प्लेयर के ऊपर हम आ चुके। देखो एमिलिया केर यहाँ पर लास्ट 10 मैचेस में से 8 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है। बैटिंग फर्स्ट में इनका 110 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। चेजिंग में आपको 52 का ही दिखाई देगा, और ये वन डाउन बैटिंग करने आ रही है, प्लस बॉलिंग से आपको पूरे ओवर्स करा के देंगी, तो मस्ट हैव पिक। रिसेंट परफॉर्मेंसेज आपके सामने, सरप्राइजिंगली पिछला मैच फ्लॉप गई थी, उससे पहले 62, 139, 166, 52। देखो आप कैप्टनसी भी दे सकते हो एमिलिया केर को, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर एज ए ऑलराउंडर। बाकी आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो वो आपके सामने है, कोई मैच नहीं खेले हेड टू हेड। वेन्यू रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, एक ही मैच ऑन दिस वेन्यू खेले जिसमें इन्होंने 62 फैंटेसी पॉइंट्स दे रखे हैं। बाय फॉर्मेट में आप इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देख लीजिए, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। 25 का फैंटेसी पॉइंट्स का इनका एवरेज रहा है 2023 में, और इन्होंने यहाँ पर 14 मैचेस में 20 विकेट्स भी निकाल के रखी है। तो एमिलिया केर आपके टीम में होनी चाहिए, लॉक कर लिया हमने। इसी तरीके से आप हर एक प्लेयर को देखो, मेन मेन प्लेयर्स को लॉक कर दे चलना है आपको, जो घटिया प्लेयर्स से उन्हें आप हटा दो अपने टीम से। ये क्रॉस वाला सही नहीं, इससे आप प्लेयर्स को हटा सकते हो। जनरल टीम के ऊपर हम क्लिक कर देते, आपके जो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन से आपके सामने बन के आ जाते। जितना लॉजिकल वे में आप प्लेयर्स को लॉक करोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। और नॉन प्लेइंग प्लेयर्स टॉस के समय यहाँ पे हट जाते, मैच के आधे घंटे पहले परफेक्ट लाइनअप पे आपको अपनी टीम से यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। बाकी एक कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में स्क्रॉल कर रहे हो आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं सजेस्ट करूंगा आप जाइए परफेक्ट लाइनअप पे, मैच के आधे घंटे पहले अपनी टीम वहाँ पे क्रिएट कीजिए, आपकी बहुत बढ़िया टीम वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। बाकी देखो वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। आपको चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।